है डीएचए जो कि इसका काम होता है ब्रेन डेवलपमेंट और ज्यादा करके इन्फेंट्स के अंदर डिप्रेशन में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। प्लस हार्ट इम्यून सिस्टम, उसके अलावा आपका इन्फ्लेमेशन के साथ। ये हो गया 3, 6 और 9। अब 7 जो है, ये 7 का काम है आपका एलडीएल को कम करना, एलडीएल को कम करना यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करना। इससे क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा मेंटेन रहेगा और उसके अलावा आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो नेचुरली आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज वगैरह सब अच्छे रहेंगे। प्लस ये ड्राइनेस की जो मैं बात किया हूं उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका ओमेगा 7 का है, जो वजाइनल ड्राइनेस, म्यूकस ड्राइनेस, आई का ड्राइनेस, ये सब रिलेटेड मेनोपॉज वगैरह के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका 7 का है। ओके, सो सी वॉक ऑन अ प्लांट फाउंडिंग यूरोपेशिया जैसा मैं बताया, विटामिन ए तो नेचुरली जैसे हरीश सर बोले आइस के लिए, तो ये नेचुरली आइस के लिए है ही। B1, B2 कॉम्प्लेक्स हो गया मतलब आपका नर्वस सिस्टम पे भी हो गया। सी है तो एब्जॉर्प्शन हमारा अच्छा बढ़ाएगा। अब एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो पहली स्लाइड में आप देखे ना कि माल न्यूट्रिशन क्यों आता है, क्योंकि आपकी खुराक का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके अलावा यहां पर ये देखिए, ये सबसे अच्छी चीज, स्लो डाउन करेगा आपका एंटी एजिंग प्रोसेस। उम्र जल्दी जल्दी बढ़ रही ना वहां पे, सो पीपल यू सी वर्कॉन फॉर यहां पे बर्न, एक्जिमा, एक्नी, इंडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, रिंकल स्किन एंड मेनी अदर। उसके अलावा इन हर्बल मेडिसिन में सी बकथॉर्न हैज बीन लॉन्ग यूज टू स्टिम्युलेट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज और देखी गई है कि आपके पित्त पे काफी अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द लीवर, तो वहां पर ये अच्छे से हेल्प करेगा। प्लस स्किन डिजॉर्डर, सो नेचुरल रेमेडीज फॉर हार्ट प्रॉब्लम लाइक अर्थराइटिस, डायबिटीज, एक्जिमा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन एंड रोसासिया। रोसासिया मतलब कि एक एक्नी जैसा प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर रेड 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 ऐसे पैचेस आती है, एकदम कॉम्प्लेक्स पैचेस आती है, वहां पर भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका डोज जो है वो डोज कैसा है, दैट इज द प्रॉब्लम। यहां पे यू विल सी दैट 60 कैप्सूल्स है, 500 mg में दिया है। ओके, ये इसका डीपी प्राइस है 580, एमआरपी इतना है, सी पीवीए इतना है। अब डोज जो दिया है इसका, टेकिंग 1 कैप्सूल पर डे ट्वाइस अ डे सुबह शाम। प्रिफरेबली कब लोगे इसको, खाने के पहले, खाने के बाद, ऑलवेज खाने के बाद। ओके, और ज्यादा करके प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह को ज्यादा करके इसके अंदर एडवाइस हमें नहीं ज्यादा करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वगैरह जो आपका अनस्पेसिफिक है वहां पर आप उसको ज्यादा डोज दे सकते हैं। स्पेसिफिकली में जब तक न्यू बॉर्न बेबी जो अंदर है, इन्फेंट है, पूरी तरह से बन नहीं जाता तब तक हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक चीज और है कि ये खून को पतला भी कर रहा है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो लोग, अगर आपका कोई दोस्त बोल रहा है कि नहीं ये बाईपास से गुजरा है, इसका स्टंट डाला गया है, तो नेचुरली उसको इको स्क्रीन वगैरह ये चल रहा होगा एंटी कॉगुलेंट के लिए, करेक्ट है ना। तो वहां पर वो चीजें कम करते हुए इसको डालना है, वहां पर जबरदस्ती आप सी बकथॉर्न उसके ऊपर मत डालना, क्योंकि हाँ दूसरा हिमोरॉइड्स वगैरह, अगर किसी को पाइल्स वगैरह का भी बीमारी होगा तो ये इमीडिएटली वहां पर खून को फेंक सकता है, क्योंकि ये खून पतला करने की ताकत रखता है, एलडीएल कम करता है, खून पतला रखता है, इसीलिए तो आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा। व्हाट द पॉइंट, तो ये सब चीज का बहुत ध्यान रखना है और इसको अमल करना है। पहले तो सबसे पहला खुद इसको यूज करे, खुद इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। ठीक है, सो सेकेंड,